ओके ये है ओप्पो रेनो 7 प्रो और इस फ्रेंड इसका फुल कैमरा सेक्शन एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओप्पो रेनो 7 प्रो के अंदर कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे किया गया है। 50 एमपी का ट्रिपल कैमरा पीछे हमें देखने को मिलता है, 32 एमपी दिया है सामने, तो वीडियो को देखते रहिए। एंड भाई एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम लग रहा है वीडियो आने में। एक नया मॉड्यूलेशन कॉन्टेंट फॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं हम, तो ये सब कुछ टेस्ट वगैरह होने के बाद आपको एक बेटर तरीके से प्रेजेंट इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा ऑयल रिसर्च वाला वीडियो। सो थोड़ा सा वेट कर लो, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ए यूनिक प्रेजेंटेशन फॉर्म इन आवर वीडियो। अब इसका फ्रंट कैमरा इंटरफेस आप देख सकते हैं, अभी ये वाइड एंगल पे रिकॉर्ड हो रहा है। यस, फ्रंट पे भी वाइड एंगल एंड ये नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड कुछ ऐसा हमें जूम एंड जूम आउट देखने को मिलता है। अभी नॉर्मल फोटो इंटरफेस आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा के अंदर कैसा हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे HDR ऑटो पे रखा हुआ है फ्रंट कैमरा पे। यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, कितने सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया है। चीन वगैरह आप टचअप वगैरह कर सकते हैं, उतना एडवांस लेवल नहीं दिया है। एंड ओप्पो की ब्यूटिफिकेशन के बारे में मुझे कुछ कहना ही नहीं है, ये जस्ट एडवांस लेवल होता है। एंड फिल्टर्स के अंदर कितने सारे फिल्टर्स दिया एक बार चेक कर लेते, तो बहुत ही बढ़िया हमें फिल्टर्स देखने को मिल रहा है। एंड भाई सच में ये काम का दिया है, उतना बेकार नहीं जो नॉर्मली 15,000 के हैंडसेट के अंदर देखने को मिलता है, बिल्कुल ही वैसा नहीं, बहुत ही अच्छा खासा फिल्टर्स ये पे दिया है। नेक्स्ट भाई ये पे पोर्ट्रेट मोड देख लेते हैं, असली मोड। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है, देख सकते हैं ब्लर डिटेक्शन जस्ट ऑसम है। एंड ये पे भी पोर्ट्रेट एंड अल्ट्रावाइड दोनों ही काम कर रहे हैं, ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब थोड़ा सा भी अल्ट्रावाइड करते तो डिटेलिंग बिल्कुल ही लॉस नहीं होता जो बाकी हैंडसेट के अंदर होता है। और ये पे आप ब्यूटिफिकेशन का काम कर सकते हैं पोर्ट्रेट मोड के अंदर। ब्लर डिटेक्शन को हम f/2.8 पे ले जाते हैं एंड ये पे कुछ फोटो क्लिक कर लेते हैं। एंड सबसे लास्ट मोड के अंदर जाके मैं आपको देखा कितने सारे ऑप्शन ये पे दिया है, पैनो सोलोमो स्टिकर एक्स्ट्रा HD मूवी डुअल व्यू सो लूप टेम्पलेट एक्सपर्ट मैक्रो टाइम लैप्स एंड टेक्स्ट कनर। तो ये हमारा फास्ट फोटो है, देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा जूम करके दिखाऊ तो एज वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से ये पे कट किया है एंड फास्ट फेस के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस ये पे लिया है। क्लियरिटी इज मेंटेन वेल एंड कलर्स उतना ज्यादा सैचुरेट नहीं किया। पीछे जो ग्रीन कलर है आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा नेचुरल टोन के अंदर ये मेंटेन करके रखा है। एंड थोड़ा सा इसको मैं जूम करके दिखाऊं तो कितना ज्यादा ये पे जूम हो सकता है, ये आप देख लो। इतना ज्यादा जूम होने के बाद भी उतना ज्यादा पिक्सलेट ये नहीं हुआ है। नेक्स्ट ये और एक पोर्ट्रेट मोड से लिया हुआ है, यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया तरीके से एज पकड़ा कट किया है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, पीछे जो मुझे ये ग्रिल देखने को मिल रहा है ये बहुत ही ज्यादा मेरे पास है, उसके बाद भी ब्लर को बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। एक्चुअली यहाँ पे चीजें कैसे काम करते हैं, सब्जेक्ट के अगर बहुत ही ज्यादा पास उसका बैकग्राउंड है ब्लर उतने अच्छी तरीके से नहीं ले पाता, बढ़िया हमें डेप्थ ही देखने को नहीं मिलता। बट इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पीछे बहुत ही ज्यादा पास था ये ग्रिल और डेप्थ आप देख सकते हैं कितना ज्यादा गहरा डेप्थ ये पे क्रिएट किया है। नेक्स्ट और एक पिक्चर आप देख लो, इसके साथ ही एक पीछे गाड़ी जा रहा था, टोटो जा रहा था, जो देखने में एक ब्लरिनेस क्रिएट किया है, देखने में बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है। अब ये पिक्चर आप ध्यान से देख लो, बहुत लोग एक फोटो के अंदर आते हैं उस टाइम पोर्ट्रेट मोड ऑन करके आप सेल्फी लेना चाहते हैं, तो मेरा फेस को जो फास्ट रहता है उसका फेस बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस में रखा है, मेरे फेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिटेक्शन वगैरह बहुत ही बड़ी तरीके से किया है। और ये जो बेंच के अंदर हम बैठे थे ये बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस में था, देखने में ऐसे पास लग रहा है बट ये थोड़ा सा डिस्टेंस है, उसके बाद भी बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस में रखा है कनाई का फेस, ये पे आप देख लो। दूसरा या तीसरा इंसान अगर आपके फ्रेम के अंदर है उसका भी फेस को बहुत ही अच्छी तरीके से ये फोकस में ले लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ब्लरिनेस ये पे ब्लेंड हो गया है बट ओवरऑल ये फोटो अगर मैं देखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा ब्लरी एंड एक नेचुरल ब्लर ये पे मेंटेन किया है, अपर्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट एक नॉर्मल फोटो देख लेते हैं विदाउट पोर्ट्रेट मोड, तो ये फोटो देख लो भाई बहुत ही अच्छा खासा एक नॉर्मल फोटो हमने कैप्चर किया है, कोई पोर्ट्रेट मोड नहीं, नॉर्मल फोटो मोड से अगर आप कोई पिक्चर खींचते तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलने वाला है। पीछे का सीन थोड़ा सा ब्लरिनेस हो गया है क्योंकि मोशन के अंदर था बट उतना ज्यादा पीछे का सीन क्लियर नहीं है, जैसे ये जो ग्रिल है ये ठीक तरीके से हमें देखने को मिल रहा है ये लाइट पोस्ट, बट पीछे का सीन ऐसे अगर मैं दिखाऊं तो उतना ज्यादा क्लियर हमें नजर में नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट का शार्पनेस बहुत ही अच्छी तरीके से ये मेंटेन किया बट ओवरऑल पिक्चर का क्लियरिटी उतना बढ़िया नहीं है। नेक्स्ट भाई ये हमने पोर्ट्रेट मोड से सेल्फी लिया है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो डिटेलिंग आप देख लो, बियर्ड का डिटेलिंग बहुत ही बढ़िया आ रहा है, एक एक बाल बहुत ही अच्छी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, तो ये कुछ हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है। शार्पनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल कलर टोन हमें देखने को मिलता है। एंड भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, स्किन टेक्सचर का काम बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक फोटो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ब्यूटिफिकेशन भाई बहुत ही बढ़िया है, किसी भी टाइप का आपका स्किन हो उसको स्मूथ करके आपको एक बेटर मेकअप वगैरह ऐसे लगाते हुए ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। बट ओवरऑल
ओवरऑल जो भी टोन यहाँ पे आता है थोड़ा सा गोड़ा कर देगा। तो ये आपको हर एक फोटो के अंदर एक स्मूथनेस ब्यूटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो एडवांस लेवल ब्यूटिफिकेशन का काम होता है वही यहाँ पे किया गया है। तो ओवरऑल फोटो सेल्फी के लिए जस्ट परफेक्ट है, कोई भी पोर्ट्रेट मोड से लेते हो या नॉर्मल मोड से लेते हो, आपको एक नेचुरल टोन के अंदर बेटर कलर करेक्शन करके आपको आउटपुट मिल जाएगा। अभी वह इसके अंदर 20x जूम दिया गया है, ये पे जूम टेस्ट करके मैं आपको देता हूँ मैक्सिमम यहाँ पे कितना जूम हो सकता है। एंड यहाँ पे एक नाव था तो इसके ऊपर ही जूम कर लेते हैं। अभी हुआ है 13x, तो फास्ट मैं 10x के अंदर दे दूं, नॉर्मल हैंडसेट के अंदर 10x दिया जाता है, तो ये भाई 10x हो जा, हाँ ये हो गया 10x। 10x का क्वालिटी कुछ ऐसा है। एंड अभी 20x पे चले जाते हैं, तो मैक्सिमम 20x पे आप क्लिक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल यहाँ पे लॉस होता है। बट थोड़ा सा आसपास भी मैं दिखाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा भाई डिटेलिंग लॉस हो रहा है, तो ये इससे बेहतर 10x ही था, नॉर्मल 10x ही दिया जाता तो बेहतर होता। तो भाई 10x का क्वालिटी कुछ ऐसा है। 20x के अंदर जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लूज हो रहा है, और ये सेमी पोजिशन का अल्ट्रा वाइड। अब भाई इसके 15 MP कुछ फोटो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको क्या कुछ हमें फाइनल रिजल्ट देखने को मिलते हैं इसके बैक कैमरे से अगर कोई फोटो क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट ये जो फोटो है हमने नॉर्मल मोड से खींचा था, कोई पोर्ट्रेट मोड ऑन नहीं किया, और ओवरऑल कलर टोन आप देख लो स्लाइटली वार्म टोन के आसपास आप इसको बोल सकते हैं। एक्चुअली मैं इसको वार्म नहीं, कूल एंड वार्म के बैलेंस एंड एक्यूरेट टोन ही इसको बोल सकता हूँ। एंड ओवरऑल ये आसपास का आम का पत्ता भी उतना ज्यादा क्लियर नहीं है जैसे नॉर्मल मोड के अंदर होना चाहिए था। तो एक्चुअली आजकल क्या होता है, नॉर्मल फोटो मोड के अंदर भी स्लाइटली ब्लरीनेस हमें देखने को मिलता है, सब्जेक्ट को और भी ज्यादा फोकस डालने के लिए पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसको स्लाइटली ब्लर आउट ये कर देता है। अभी आते हैं मेन सब्जेक्ट के ऊपर। ओवरऑल फोटो का सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया, एंड फेस के ऊपर फोकस की बात करूं तो ये भी बहुत ही बढ़िया है, तो ये बात मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। अब नेक्स्ट फोटो की तरफ बढ़ते हैं। इस फोटो को आप देख लो, थोड़ा सा ये मैं ऐसे हो गया था, मुझे ये खींचने के टाइम पे पता नहीं चला, बट ये आप देख लो थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाऊं तो व्हाइट टोन की मैं बात कर रहा था। फेस के ऊपर आप देख लो व्हाइट टोन कैसा हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो एक्चुअल फेस का टोन है। स्किन टोन बिल्कुल ही वैसा नहीं शो किया, एक बहुत ही ज्यादा व्हाइट टोन के अंदर शो किया, जो दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मतलब लग रहा है कि ज्यादा व्हाइट करने की ये कोशिश कर रहा है आर्टिफिशियल तरीके से। और ये फोटो हमने पोर्ट्रेट मोड से खींचा था, पीछे का ब्लर आप देख लो, एपर्चर हमने 2.8 पे रखा है, तो उतना ज्यादा ब्लर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बट एक स्टैंडर्ड ब्लरीनेस ये मेंटेन किया है। अब चलो नेक्स्ट एक सनसेट टाइम वाला फोटो दिखाता हूं। तो ये फोटो आप देख लो जहां पे ये जो ग्रिल है ब्लू ग्रिल, इसका कलर भी बहुत ही बड़ी तरीके से मेंटेन किया है, गोल्डन टाइम वाला फील ये पे दे रहा है, एंड पूरा फोकस यही पे ही था। तो इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं शार्पनेस कैसा ये पे मेंटेन किया, बहुत ही बढ़िया आपको जूम आउट करके भी दिख रहा है इसका शार्पनेस कैसा है। ये जो वैन है इसको डायरेक्टली ये स्टॉप कर दिया, कोई भी मोशन ब्लर ये पे क्रिएट नहीं किया है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ये कोई प्रो मोड से कैप्चर किया हुआ फोटो नहीं, नॉर्मल मोड से मैं बाय डिफॉल्ट ही फोटो कैप्चर किया और कुछ ऐसा आया है। और नेक्स्ट इसके रिलेटेड कुछ और भी फोटो आप देख लो, तो ये फोटो के अंदर मैंने सब्जेक्ट को ही पूरा फोकस में ले लिया, सेमी एंगल का फोटो है, कुछ ऐसा में कलर टोन देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा नेचुरल कलर टोन है, बिल्कुल इसको आर्टिफिशियल तरीके से बहुत ही ज्यादा वार्म करने की कोशिश ये नहीं किया है। और नेक्स्ट सेमी जा कुछ और फोटो ये पे आप देख लो, थोड़ा सा ज़ूम करके मैं आपको दिखाऊं तो स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है, एवरी कलर यू कैन सी इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू नेचुरल। नेक्स्ट एक अल्ट्रोइड देख लेते हैं। तो ये फोटो जो है हमने अल्ट्रोइड मोड से खींचा है, इसका डिटेलिंग मैं थोड़ा सा पास से दिखाऊं, तो ये ज़ूम करने के बाद ऑब्वियसली पिक्सेलेट होता है, बट ओवरऑल फोटो के अंदर आप देख लो कितना ज्यादा एरिया ये पे कैप्चर किया, दिखने में एक सिनेमैटिक व्यू लग रहा है इस अल्ट्रोइड फोटो के वजह से। और ये और एक फोटो आप देख लो जो हमने इसके अल्ट्रोइड मोड से कैप्चर किया है दूसरे फोन के अंदर। एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं, कोई भी कलर वगैरह उतना ज्यादा सैचुरेट नहीं कर रहा है, वाइब्रेंस को इंक्रीज नहीं कर रहा है। दूसरे फोन के अंदर क्या होता है, नॉर्मल फोटो तो बहुत ही बड़ी तरीके से ले लेता है, बट जब भी आप अल्ट्रोइड मोड पे शिफ्ट करते हो कलर वगैरह बहुत ही ज्यादा सैचुरेट होने लगता है, बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल कलर हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर बिल्कुल ही वैसा नहीं है, नॉर्मल मोड से जैसा हमें कलर देखने को मिलता है अल्ट्रोइड मोड के अंदर अगर आप कैप्चर करते हो तो भी ये पे आप देख लो बहुत ही ज्यादा बढ़िया नेचुरल टोन के अंदर हमें कलर देखने को मिल रहा है। अभी ये फोटो आप देख लो अलग ही कूल स्टोन ये पे मिल रहा है, पीछे का ब्लर भी आप देख सकते हो ओरिजिनल DSLR वाला फील ये पे दे रहा है, एंड एक्चुअल जो टोन है उसको स्लाइटली कूलिश करने की कोशिश किया, ब्लू टोन स्लाइटली इंक्रीज किया, कोई भी फिल्टर वगैरह हमने अप्लाई नहीं किया, नॉर्मली पोर्ट्रेट मोड को ऑन किया, एंड 1.8 इसका अपर्चर, एंड कुछ ऐसा में रिजल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये और एक सैंपल, एंड इसको भी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा हमें एज कट देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है,
एंड ओवरऑल फोटो ऑब्वियसली एक सोशल मीडिया रेडी पिक्चर है, कोई भी एडिट आपको करने की जरूरत बाद में नहीं पड़ेगा। और भाई अगर आप सेमी एंगल पे पोर्ट्रेट मोड ऑन नहीं नॉर्मल मोड से अगर आप खींचते हो तो ये पे आप डिफरेंस देख लो कितना ज्यादा बैकग्राउंड वगैरह डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उतना बढ़िया हमें ये पिक्चर देखने को नहीं मिलेगा। और स्लाइटली मुझे उतना ज्यादा शार्पनेस भी फेस के ऊपर नहीं देखने को मिल रहा है, स्लाइटली शेकी सा देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और इस जगह पे अगर आप पोर्ट्रेट मोड को यूज करते हो तो रिजल्ट तो आपको पता ही है। और भाई ये कुछ हमने बेंच के ऊपर बैठे फोटो लिए थे, तो इसका कलर टोन आप देख लो कितना ज्यादा बढ़िया आ रहा है, मुझे देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ओवरऑल कलर एंड सैचुरेशन को ऐसे इंक्रीज करते हैं, नेचुरल टोन भी रहता है एंड एक बहुत ही बढ़िया तरीका सैचुरेशन के साथ अलग ही लेवल वाइब्रेंस को मिक्स करके एक ओवरऑल टोन एंड आउटपुट जो है बहुत ही बढ़िया लगता है। लग रहा है कोई सोनी के DSLR से एक्सपेंसिव लेंस ला के मैंने खींचा है, बट रेनो 7 प्रो जस्ट ऑसम। अभी भाई इसका फ्रंट कैमरा का वीडियो क्वालिटी आप देख लो कैसा हमें देखने को मिल रहा है, फुल HD एंड 720p दोनों के अंदर आप शूट कर सकते हैं। एंड ये नॉर्मल फुल HD पे अगर आप रिकॉर्ड करते हैं भाई क्वालिटी कैसा है, बढ़िया है ना, कलर जस्ट ऑसम है। ऐसे HDR मोमेंट पे हम शूट कर रहे हैं सन पीछे, और ऐसे अगर आप शूट करते हैं तो भी देख सकते हैं फेस के ऊपर कितना ज़्यादा लाइट पड़ रहा है एंड जस्ट ऑसम है। स्मूथ वीडियो यहाँ पे मिल रहा है, 60fps है या 30fps यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा है, बट मैं आपको देख के बता दूंगा। और एक चीज़ भाई यही से आप कर सकते हैं, जैसे अभी ये अल्ट्रावाइड है एंड इसको मैं नॉर्मल 1x एंड अल्ट्रावाइड ऐसे दोनों के अंदर शूट कर सकते हैं, तो फ्रंट कैमरा के अंदर अल्ट्रावाइड ये पॉसिबल है एंड कुछ ऐसा में फाइनल क्वालिटी देखने को मिल जाता है। और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो साउंड ये पे आप सुन सकते हैं ये इसी फोन के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो कोई नॉर्मल एनवायरनमेंट पे अगर आप शूट करते हैं तो देख सकते हैं कैसा में साउंड सुनने को मिला है, नॉइस कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं वो भी ये पे आप देख सकते हैं। और भाई ये पे ब्लर मोड भी पॉसिबल है, तो ऐसे अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं जो मोस्ट पॉपुलर है ये पे आप देख सकते हैं कैसा में ब्लर डिटेक्शन देखने को मिल रहा है पूरी तरीके से सन को अगर मैं फेस करके दिखाऊं। एंड ये पे भी आप अल्ट्रावाइड एंड नॉर्मल के अंदर ऐसे स्विच कर सकते हैं, जब पे बहुत ही ज्यादा बड़ा फ्रेम अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर पॉसिबल है। अब भाई बैक कैमरे की वीडियो की बात करूं तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पास से हम ले सकते हैं, फुल HD 60fps पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड 1x जूम पे ही कितना ज्यादा वाइड व्यू ये ले रहा है एंड आसपास भी मैं अगर दिखाऊं तो कुछ ऐसा में व्यू देखने को मिलता है एंड प्रॉपर शार्पनेस आर कैप्चरिंग जस्ट परफेक्टली। एंड इसको अगर आप जूम करना चाहते तो ऐसे ही आप जूम कर सकते हैं एंड ऐसे ही आप जूम आउट कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा हमें लुक एंड शार्पनेस देखने को मिलता है बैक कैमरे के वीडियो के अंदर। तो अभी मैं ये 0.66 अल्ट्रावाइड पे ट्राई कर रहा हूँ ताकि शार्पनेस एक्चुअली मैं आपको दिखा सकूँ कि कितना ज्यादा शार्प है। 1x एंड 0.6x के अंदर स्लाइटली शार्पनेस ये पे लॉस होता है, किसी भी चीज के अगर मैं थोड़ा सा पास चला जाऊँ तो आप देख लो भाई कितना ज्यादा ये पे शार्पनेस लॉस हो रहा है, बट ओवरऑल कोई भी सीन को अगर मैं कैप्चर करके दिखाऊँ तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एंगल ये पे हमें देखने को मिलता है एंड डिटेलिंग आर ऑल्सो मेंटेन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। और ये पे नॉर्मल 4K पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊं तो देख लो भाई कैसा हमें देखने को मिल रहा है, 30fps के वजह से बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट करता है, 60fps जैसा एस्टेब्लिशन हमें देखने को नहीं मिलता, बट ये 4K पे अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं ऑब्वियसली इसके अंदर पॉसिबल है एंड बेस्ट क्वालिटी इससे आप निकाल सकते हैं। अभी भाई एस्टेब्लिशन टेस्ट करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई देख लो एस्टेब्लिशन हमने पूरी तरीके से ऑन करके रखा, और ऐसे अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं बहुत ही ज्यादा सिनेमेटिक वीडियो यहां पे आने वाला है, तो देख लो भाई कैसा है फ्रंट कैमरे से ऐसे व्लॉगिंग तरीका कोई वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं एस्टेब्लिशन ऑन करके जस्ट ऑसम सिनेमेटिक व्यू यहां से आप ले सकते हैं। एस्टेब्लिशन ऑन करने के बाद बहुत ही ज्यादा सुपर स्मूथ वीडियो ये रिकॉर्ड करता है। अभी टाइम है कुछ मैक्रो सैंपल देखने का, तो ये हमने कुछ मैक्रो सैंपल कैप्चर किया था, तो ये फोटो आप देख लो जैसे लग रहा है कि एक्सटर्नल माइक कोई फ्लैश वगैरह यूज कर रहा हूं, स्पीड लाइट यूज कर रहा हूं, बिल्कुल ही वैसा नहीं है नॉर्मल सनलाइट के अंदर, वैसे ही मैं मैक्रो मोड ऑन करके कैप्चर किया है। और ग्लॉसिनेस भाई आप देख लो, इस पत्ते का ग्लॉसिनेस मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अट्रैक्टिव एंड बहुत ही आर्टिफिशियल लाइट के अंदर शूट किया है, ऐसा फील ये पे हो रहा है। और पीछे का बैकग्राउंड आप देख लो बहुत ही ज्यादा डार्क स्टोन ये पे कर दिया है, सब्जेक्ट के ऊपर लाइट वगैरह बहुत ही बड़ी तरीके से मेंटेन किया है, तो ये मैक्रो मोड से अगर आप कैप्चर करते हैं थोड़ा सा पिक्सेलेट हो जाता है अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये ऑब्वियसली हर एक फोन का फंड है, मैक्रो मोड से अगर आप कैप्चर करते हो तो पिक्सेलेट थोड़ा सा हो जाता है, उतना ज्यादा डिटेलिंग एंड शार्पनेस मेंटेन नहीं कर पाता, तो ये इसके मामले में है, बट ओवरऑल मैक्रो मोड को अगर आप ट्राई करना चाहते इसका बहुत ही बढ़िया एक इफेक्टिव रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये और एक मैक्रो मोड का सैंपल थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो इसका शार्पनेस देखिए भाई मैं बहुत ही सरप्राइज हो चुका हूं, भाई मैक्रो मोड से भी इतना बढ़िया शार्पनेस हमें देखने को मिल रहा है, हर एक सिचुएशन के अंदर बहुत ही बड़ी तरह का आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और ये नॉर्मल फोटो मोड से हमने कैप्चर किया था, इसका भी सैंपल आप देख लो, तो ये इतना ज्यादा खास नहीं लगता, बट सेमी पिक्चर को आप मैक्रो मोड से कैप्चर करते हो तो लगता है एक्स्ट्रा लाइट वगैरह डाल के इसके ऊपर आपने कैप्चर किया है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब भाई इसके नाइट वीडियो क्वालिटी आप देख लो कैसा हमें देखने को मिल रहा है, इस साइड से थोड़ा सा लाइट आ रहा है, बाकी बिल्कुल ही यहाँ पे अंधेरा है एंड पूरी तरीके से मैं लाइट
फेस करके अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ ऐसा क्वालिटी है भाई, रात के टाइम जैसा क्वालिटी होना चाहिए वैसा ही है, उससे भी बेहतर क्वालिटी ये प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, स्किन को स्लाइटली स्मूथ कर रहा है, बाकी ओवरऑल एक परफेक्ट वीडियो ये कैप्चर करते हैं लो लाइट के अंदर। अब पूरे दिन शूट करने के बाद रात के टाइम पे हमारे बाइक के हॉर्न में ट्यूनिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो फिर पास में हमें गैरेज के अंदर गए, तो फिर नाइट मोड से कुछ पिक्चर क्लिक किया, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये फोटो जो है हमने नाइट मोड ऑन करके खींचा है और 2-4 सेकंड का यहाँ पर टाइम लेता है, बाकी फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। किसी भी चीजों के ऊपर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो भाई शार्पनेस देख लो, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही बढ़िया हमें शार्पनेस देखने को मिल रहा है। नॉर्मली किसी भी फोन के अंदर अगर आप नाइट मोड से शूट करते हो तो उतना बढ़िया हमें शार्पनेस देखने को नहीं मिलता, बट इसका शार्पनेस भाई बहुत ही बढ़िया, ओवरऑल कलर टोन आप देख लो, एक सिनेमेटिक जैसा लग रहा है कि कोई भी कलर प्रीसेट मैंने अप्लाई करके ये फोटो खींचा, या फोटो खींचने के बाद लग रहा है कि कोई कलर प्रीसेट मैंने अप्लाई किया लाइट रूम वगैरह से, बट ये रॉ टोन के अंदर ही आपको ऐसा फाइनल क्वालिटी मिल रहा है। नेक्स्ट नाइट मोड ऑन करके अगर आप अल्ट्रा मोड को भी ऑन कर दो तो कैसा रिजल्ट मिलेगा ये देख लो भाई। नेक्स्ट हमारा जो पिक्चर है ये हमने अल्ट्रा वाइड मोड से खींचा है और नाइट मोड भी इसके साथ ऑन था, तो फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा है, थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि शार्पनेस उतना बढ़िया नहीं है, थोड़ा सा कुछ जगह पे पिक्सलेट हो गया है, बट ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर हमें देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई सीन कैप्चर करना है, डिटेलिंग के आपको उतना परवाह नहीं है, एक सीन ही कैप्चर करना है, तो लैंडस्केप मोड पे आपको बहुत ही बढ़िया सीन ये कैप्चर करके देगा, बट शार्पनेस उतना बढ़िया नहीं है, स्लाइटली शार्पनेस अगर बेटर होता तो मजा आ जाता। नेक्स्ट ये हमारा हॉर्न यहाँ पे ठीक कर रही है भाई, तो इसका भी हमने एक पिक्चर लिया है जहाँ पे हेडलाइट बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर के अंदर था, तो इसको भी मेंटेन किया, आसपास का जो लाइट है इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से सही ढंग से मेंटेन किया है। नेक्स्ट ये लेजेंडरी M80, मुझे ये बचपन से चलाने का बहुत ही ज्यादा शौक है, ऐसे मौका नहीं मिला कभी, तो इसको भी आप देख लो, आसपास का जो ग्रास कलर ये देख के बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एक अच्छा खासा टोन के अंदर ओवरऑल फोटो आप देख लो। सो यू डोंट नीड टू टेंशन अबाउट शार्पनेस, रात के टाइम पे पिक्चर खींचता हूं तो कितना ज्यादा शार्पनेस रहेगा, बहुत ही बढ़िया भाई, नॉर्मल फोटो से भी बहुत ही बढ़िया शार्पनेस रहेगा। और ये फोटो हमने 2x जूम करके खींचा था तो ये भी उतना बढ़िया नहीं आया है, बट ओवरऑल दूर से अगर आप देखते हो, ऐसे अगर आप देखते हो तो सही है। नेक्स्ट ये एक HDR का सिचुएशन आप देख लो, रात के टाइम पे डायनेमिक रेंज कैसे मेंटेन करता है, सम टाइम आसपास का एक्सपोजर इज स्लाइटली लो, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कोई भी टेक्स्ट वगैरह होता है तो उसको मैं जूम करके दिखाता हूं कितना ज्यादा हमें क्लियरिटी देखने को मिल रहा है, कोई भी टेक्स्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा जूम करने पर ये फटता नहीं है, बिल्कुल ये पिक्सलेट नहीं होता। सो इन एवरी पर्सपेक्टिव शार्पनेस इज मेंटेन्ड सो वेल। अब कुछ नाइट मोड से लिया हुआ सेल्फी आप देख लो, ये फास्ट सेल्फी है, लाइट बहुत ही ज्यादा कम था इस सिचुएशन पे, आप देख लो कुछ ऐसा में डिटेलिंग देखने को मिलता है, तो ये उतना बढ़िया नहीं आता, तो अभी लाइट को फेस करके और एक मैंने खींचा है, तो ये आप देख लो लाइट फेस करके खींचने पर स्लाइटली हमें एक्सपोजर ज्यादा देखने को मिलता है, शार्पनेस उतना बढ़िया हमें देखने को नहीं मिल रहा, ओवरऑल एक स्मूथनेस टेक्सचर फेस के ऊपर क्रिएट किया है, बट शार्पनेस डिटेलिंग उतना बढ़िया नहीं है। टी शर्ट का कलर भी आप देख लो, एक्चुअली इसके बैक कैमरे पे जितना क्लियरिटी पे मेंटेन किया बिल्कुल ही वैसा नहीं है, फ्रंट कैमरे पे क्लियरिटी बहुत ही ज्यादा 50% आप बोल सकते हैं लेस हो जाता है, एंड शार्पनेस भी उसके साथ उतना बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं आता। तो फ्रंट कैमरे पे रात के टाइम पे कुछ ऐसा ही हमें सैंपल देखने को मिलेगा, एंड बहुत ही ज्यादा अगर आप जूम करते तो ये आप देख लो कुछ ऐसा हमें डिटेलिंग देखने को मिल जाता है हर एक सिचुएशन पे, एंड नाइट मोड के साथ पोर्ट्रेट मोड भी हमने ऑन करके खींचा था, वो भी आप देख लो, तो कुछ ऐसा इसका सैंपल है, इसका क्लियरिटी स्लाइटली बेटर है क्योंकि आसपास ब्लर ज्यादा हो गया है, तो इसके वजह से ओवरऑल फोटो आप पोर्ट्रेट मोड ऑन करके भी रात के टाइम पे लो लाइट के अंदर खींच सकते हैं। तो कुछ फाइनल बातें ये पे कर लेते हैं, अगर आपके पास 6 Pro है तो उसको अपग्रेड करके 7 Pro लेने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, 7 Pro एक बहुत ही बढ़िया एसेट, बट आपके पास अगर 6 Pro है तो उसको अपग्रेड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड इस फोन के बारे में मैं एक ही बात कह सकता हूँ, दिस फोन इज जस्ट परफेक्ट फॉर व्लॉगिंग एंड एनी नॉर्मल लाइफ यूजेस। एंड भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, कॉन्टेंट अच्छा नहीं लगा तो सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे 1.5 सब्सक्राइबर बिल्कुल ही पसंद नहीं है। Doing me, everything is on me.